स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आई एम टेकिंग हियर। नाउ फर्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन given by fx is equal to log x by x has maximum, ये जो function है ये maximum हो किस point पे, at x is equal to e point पे। Students, fx is equal to log x divided by x, तो firstly यहाँ पर x जो होगा वो greater than 0 होगा। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। नाउ कैंसिल, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया बेटे। क्या है? एफ डैश एक्स। और अब हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखते हैं फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x एंड x की। तो 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। log ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू e। भाई log को इधर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, x is equal to क्या हो गया, e। Now double derivative for finding maxima minima, for finding maxima and minima, तो यहाँ पर आप first derivative निकालते हैं f double dash x, तो f dash x ये रहा आपका, इसका double derivative find out करना है। First as it is derivative of second minus second as it is derivative of first divide by square x raised to power 4। भाई देखिए दोबारा, first as it is derivative of second minus second as it is derivative of first or square of first। now minus x cancel हो गया यहाँ पर, minus 2x bracket 1 minus log of x divide by x raised to power 4, taking x common, तो minus 1 minus 2 bracket 1 minus log of x divided by x raised to power 4, that is cancel, at x is equal to e, x is equal to e पर चेक करना है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान देना, minus 1 into 2, 1 minus log of e, है ना भाई, divided by x e raised to power 3। अब log e, value of log is 1, 1 minus 1 is 0, तो क्या बच गया आपके पास, minus 1 by e raised to power 3, which is always less than 0, और जब 0 से कम होगा double derivative, तो क्या होगा, maximum, तो क्या होगा, maximum किस point पर है, x is equal to e point पर आपका function क्या होगा, maximum। ये question था आपका, question number 2। दोबारा फिर देखिए students, मैं repeat कर रहा हूँ इस question को, fx given है आपके पास, ये function maximum होगा at x is equal to e point पर। So firstly find the derivative, मैंने derivative find out किया है f dash x, quotient rule लगेगा इसके अंदर, first as it is derivative of second minus derivative of second function as it is and derivative of first, derivative of first is 1, after that x से x cancel होगा, 1 minus log x by x square, derivative को 0 के बोल रखना होता है हर question में, maximum minimum आएगा, मैं एक दो दिन step में networking rule के अंदर लिखवाए थे वही use कर रहा हूँ। 1 minus log x by x square is equal to 0, cross multiplication, तो 1 minus log x is equal to 0, log x is equal to 1, तो x की value क्या आएगी, e। अब मुझे maximum minima निकालना, तो मैंने double derivative निकाला, double derivative निकालने के बाद x की value e put करी, और जब मैंने e value put करी तो मेरा answer minus में आया, ये which is less than 0, और जब double derivative less than 0 होता तो मेरा function क्या होता है, maximum। स्टूडेंट्स, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये मान लिया जाता है, ये जरूरी होता है कि हमने रिसेंटली से प्रीवियस एक्सरसाइज जितनी भी हैं 6.1 2 3 4 5 सभी एक्सरसाइज बड़ी
ध्यान से हमने कर ली है, उसके बाद ही हम मिसलेनियस चलते हैं, क्योंकि मिसलेनियस में वो सारे कंसेप्ट यूज होते हैं जो हम फर्दर प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 4. Find the equation of the normal. अब equation of normal निकालनी है, तो tangent normal वाली exercise जो आपको करवाई गई थी, exercise 6.3, वो वाले सारे concept आपको आने चाहिए, तब ही आप इस question को solve कर पाएंगे। Find the equation of the normal. पहले normal की equation निकालनी है, तो normal की equation क्या होती है बेटे? अब देखिए ध्यान से, equation of normal. Equation of normal formula था y minus y1 is equal to minus 1 by dy by dx into x minus x1, ये होती बेटे नॉर्मल की इक्वेशन। अब कर्व ये दे रखे और इस पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे 2y, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4, तो dy by dx क्या आ जाएगा बेटे आपके पास 4 by 2y, 2 से कैंसिल हो गया, इट मींस 2 by y आ गया, ये dy by dx आ गया, किस पॉइंट पे 1.2 पॉइंट पे, तो at 1.2 तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो आपका यहां से dy by dx जो आया वो आया बेटे 2 by 2 यानी 1 आया बेटे। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं यहां पर वैल्यू पुट करके, y minus y1, y1 कितना है 2 है, is equal to minus 1 by dy by dx, dy by dx कितना है 1, bracket x minus x1 कितना है 1, बस सिंपल है तो बेटा। उसके बाद y minus 2 is equal to minus x plus 1, इसको इधर ले आएंगे, x plus y minus 3 is equal to 0, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दोबारा फिर देखिए, कर्व गिवन थी आपके पास, इस कर्व पर इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है बेटे, क्या बतानी है नॉर्मल, तो पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, y स्क्वायर 2y dy by dx = 4x का डेरिवेटिव 4, dy by dx = 2y, इधर ले आएंगे 2y फॉर्म हो जाएगी, एट किस पॉइंट पे 1.2 पे, 1.2 पे मेरा डेरिवेटिव क्या आया 1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गया, मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -1/dy by dx होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला y y1 is equal to minus 1 by dy by dx into x minus x1, okay, तो dy by dx की वैल्यू पुट कर दी और ये क्वेश्चंस सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द नॉर्मल ऑफ एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x is equal to this and y is equal to this is at a constant distance from origin, origin से जो आपकी equation of normal होगी, उस equation की origin से जो distance होगी वो एक constant होगी, ये आपको prove करके दिखाना है, ठीक है students? यानी constant. So firstly, x is equal to a cos theta plus a theta sin theta. तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे पहले dx by d theta, dx by d theta निकला क्या है बेटे minus a sin theta plus a bracket, दो फंक्शन बन गए, u into v वाला फॉर्मूला लगेगा, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, after that bracket खोलेंगे minus a sin theta plus a theta cos theta प्लस ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ए थीटा कोस थीटा रह गया, ये आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा आएगा। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा, तो आप यहां निकालेंगे बेटा डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो ए साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, डेरिवेटिव हो गया ए कोस थीटा माइनस ए, यहां पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आफ्टर दैट ए कोस थीटा
minus minus plus a theta sin theta and minus a cos theta, और ये कैंसिल हो गया बेटे, तो क्या आ गया a theta sin theta, ये आपके पास dy by d theta आ गया, ठीक है। Now slope of tangent, तो यानी dy by dx क्या होता है, dy by d theta divide by dx by d theta, तो dy by d theta आया मेरे पास a theta cos theta, a theta cos theta divide by a theta sin theta, तो आप देखेंगे a theta से theta cancel हो गया, cos y sin cot theta हो गया बेटे, cos y sin, एक मिनट भाई, एक मिनट स्विंग्स, वन मिनट, dy by d theta a theta sin theta है, यहाँ पर sin theta है और यहाँ पर cos theta है, तो sin by cos क्या हो जाएगा tangent theta, ये आपका slope of tangent आ गया। मुझे slope of normal निकालना है, slope of a normal, तो slope of normal तो minus one by tangent theta हो जाएगा, और minus one by tangent theta तो minus cot theta हो गया, है ना भाई। अब आपको equation बनानी है, क्या बनानी है, equation, equation of normal, equation of normal formula y minus y1, y1 क्या है a sin theta minus a theta cos theta, ये y1 हो गया, is equal to slope bracket x minus x1 a cos theta plus a theta sin theta, ये हो गया बेटा आपकी equations। Now y minus a sin theta minus a theta cos theta, ध्यान से देखना बेटे, minus cos y sin लिखते हैं इसको हम, x minus a cos theta plus a theta sin theta, now cross multiplication, y sin theta minus a sin square theta minus minus plus a theta cos theta sin theta is equal to minus x cos theta minus minus plus a cos square theta minus a theta sin theta or cos theta, yes clear students, एक बार पूरे क्वेश्चन को यहां तक जो करो देखिए दोबारा, ठीक है समझ आ रहा है सभी सारा क्वेश्चन, ओके माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, नाउ इससे सारा ये कैंसिल हो गया, आफ्टर दैट इस वाले x cos थीटा को इधर लिया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू स्वेंस a cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस a sin स्क्वायर थीटा इधर पे की राइट हैंड साइड a sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, आफ्टर दैट x cos थीटा प्लस y sin थीटा और a कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta, everybody know that the sin square theta plus cos square theta is 1, तो क्या बच गया आपके पास x cos theta plus y sin theta is equal to a, ये आपकी equation of normal, ध्यान से देखें दोबारा भाई सभी पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, equation of normal आ गई x cos theta plus y sin theta is equal to a, अब मेरे को निकालनी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस यहां निकाल रहा बेटे, देखना ध्यान से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 है ना, याद है डिस्टेंस का 10th 11th क्लास में पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड ऑफ क्या करेंगे x की जगह 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो गया, 0 प्लस 0 माइनस a मोड का साइन अपॉन अंडर द रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta, मैं दोबारा याद करा रहा हूँ बेटे, recapitulate करा रहा हूँ आपको,
कि आपके पास कोई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कोई इक्वेशन है, और इस इक्वेशन की ओरिजिन से जब आपको डिस्टेंस निकालनी होती थी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था क्या, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस सी मोड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब आप इसको मोड हटाएंगे तो यहाँ a बचेगा बेटे और ये 1 होता है, तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी, a के इक्वल, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू a, यही आपको प्रूव करना था कि ये कांस्टेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, दैट इज योर आंसर। दोबारा देखिए पूरे क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन में ये कहा गया था शो दैट द नॉर्मल ऑफ नॉर्मल और एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस एंड दिस इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटे dx/dt थीटा यहां से निकाल लेंगे, dx/dt थीटा a cos थीटा डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होता है, माइनस a sin थीटा प्लस a थीटा sin थीटा का प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, प्रोडक्ट रूल से ये फार्मूला बन गया, a था a sin थीटा से a sin थीटा कैंसिल हो गया, a थीटा cos थीटा रह गया, dy/dt थीटा y लिख करके dy/dt थीटा निकाल दिया हमें, dy/dx निकालना है, dy/dt थीटा / dx/dt थीटा, dy/dt थीटा a थीटा sin थीटा / a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, sin / cos क्या होता है टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना तो -1 / टेंजेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा - cos थीटा। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला y - y1 = log ब्रैकेट x - x1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दिया, और इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई, मेरे को डिस्टेंस ही निकाल दिया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स, आपको इस क्वेश्चन में इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं in which the function f given by fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x is increasing or decreasing। ये question भी बहुत important है और आपकी NCERT exercise के अंदर भी ऐसा question था जब आपने increasing decreasing की exercise की थी, same ऐसा ही question है, एक बार दोबारा ध्यान से देखेंगे, आपके पास fx given है increasing decreasing function के लिए आपका क्या rule होता था, तो सबसे पहले आप f dash x निकालते थे, derivative निकालते थे, derivative निकाल करके आप जब आपके पास इंक्रीजिंग वर्ड है तो f dash x greater than equal to 0 होता था, और less than decreasing के केस में f dash x less than equal to 0 होता था, ठीक है। फिर आपको इंटरवल बनाने होते थे, किस इंटरवल पर आपका पर्टिकुलर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर आपका फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, ये बात हमने बतानी होती। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 4 sin x minus 2x minus x cos x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं इसको, क्या माइनस x को मैं निकाल रहा हूँ तो 2 प्लस cos x रह जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस cos x, इसके बाद 4 sin x सेपरेट कर रहा हूँ बेटे अलग अलग, 2 प्लस cos x माइनस x 2 प्लस cos x डिवाइड बाय 2 प्लस cos x, अलग अलग कर दिया मैंने इसको और ये कैंसिल हो गया, ओके ये आपका fx है। तो मुझे अब डेरिवेटिव निकालना है f dash x, तो u into v फार्मूला, u upon v फार्मूला होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 4 cos x माइनस 4 sin x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव है बेटे माइनस sin x डिवाइड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, और यहां पर x बचा था, x का डेरिवेटिव 1। नाउ सिंपलीफिकेशन करते हैं, 4 टू द 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, देखो बेटा 4 cos x की 2 से मल्टीप्लाई 8 cos x, 4 cos x की cos 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस l सिंपली है साथ साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी माइनस 4 cos x डिवाइड बाय, मैंने डायरेक्ट इसके अंदर l सिंपली ले लिया, इसी स्टेप में ध्यान से देखना इस स्टेप को, मैंने l सिंपली साथ में लिया है और ध्यान से देखना आप सभी, सभी का ध्यान पूरी तरफ हो, मैं एक ही स्टेप में सारा काम करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन होगा नहीं, तुम्हारे से दिक्कत हो जाएगी। 8 cos x से में से हमें
ये 8 cos x, ये 4 cos x, 8 cos x में से 4 cos x के अंदर 4 cos x रहेगा। यदि मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो 4 बचेगा, क्या बचेगा 4, 4 cos square x plus sin square x, now minus 4 और minus cos square x divide by 2 plus cos x whole square। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां लिख रहा हूं मैं अगला स्टेप, 4 cos x plus 4 minus 4 minus cos square x divided by 2 plus cos x whole square। now students f dash x is equal to, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब दो टर्म बच गए, इसमें cos कॉमन निकल रहा है, जो cos कॉमन निकल रहा है तो क्या बचा बेटे 4 minus cos x divided by 2 plus cos x whole square, 2 plus cos x whole square। ध्यान से देखें, 4 cos x माइनस cos square x, cos x कॉमन निकलेगा, 4 minus cos x upon 2 plus cos x का whole square। अब आपको ये बताना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो सो स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखें, बॉडी पर पूरा ध्यान होना चाहिए। यदि मैं इसकी बात करता हूं 2 plus cos x के whole square की बात करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं being a perfect square, being a perfect square it cannot be, it cannot be negative, ये negative तो हो ही नहीं सकता, minus में तो नहीं हो सकता क्योंकि whole square लगा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं 4 minus cos x की, और ये भी हमेशा ही greater than 0 रहेगा, ये भी हमेशा क्या रहेगा greater than 0, because cos x जो domain है minus 1 to 1, 1 to 1 के अंदर होती है range, minus 1 to 1 के अंदर, तो cos x की जो रेंज होती है minus 1 to 1 के अंदर होती है, तो आप सारे minus 1 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे पुट करके देख लो, सारे सारे पुट करके देख लें, ये आपका क्या आएगा ग्रेट देन ही देगा, ग्रेट देन वैल्यू ही देगा, तो इट मींस ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डिपेंडेंट करता है ओनली cos x के ऊपर, किसके ऊपर cos x। अब cos x के बारे में देखो बेटा, cos x के लिए हम क्या कर रहे हैं, cos x आप एवरीबॉडी नो दैट द cos x है ना, cos x देखो बेटा ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहां पर होता है पाई बाय 2, यहां पर होता है 2 पाई, यहां 3 पाई बाय 2 और यहां पर पाई, तो एक बात ध्यान रखना cos x जो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, नहीं पता बेटे आपको cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, बाकी टू क्वाड्रेंट्स में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव बना दो बेटे, आपको पॉजिटिव बनाना है तो देखो सिर्फ ये फंक्शन जो डेरिवेटिव है ये सिर्फ इस cos x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ओके। बाकी ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, देखो बेटा ये प्लस हो गया तो प्लस 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 हो जाएगा, यदि ये माइनस होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो उसको डिक्रीज कर देगा, तो बहुत ध्यान से देखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा डिक्रीज वाला केस पहले, डिक्रीज आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कब होगा, देखो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, होता ना, तो इसका इंटरवल आ गया पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक, इस इंटरवल के बीच में आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज होगा, इस इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा। नाउ अब बात करता हूं इंक्रीज फंक्शन की, इंक्रीज फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वी कैन राइट 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 यूनियन बेटा और पाई 0 टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन क्या होगा इंक्रीज और उस फंक्शन उस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन क्या होगा डिक्रीज, ये आपका आंसर था। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, समझ में नहीं आया हो दोबारा फिर पूछ लें कि बेटा cos x डिपेंडेंट करेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, तो cos x 0 से बड़ा होना चाहिए, cos x 0 से बड़ा इस केस में आपका जो cos x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इस केस में cos x लेस देन 0 होगा, जब लेस देन 0 होगा तो आपका फंक्शन डिक्रीज होता है, जब ग्रेटर देन 0 होगा आपका फंक्शन इंक्रीज होता है, तो इस केस में दोबारा फिर देखें इस क्वेश्चन को, आपके पास फंक्शन दे रखा था बेटा, फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला है, डेरिवेटिव निकाल करके डेरिवेटिव निकाल दें, यहां तक कंप्लीट डेरिवेटिव निकल गया, अब डेरिवेटिव ही आपको बताना होता है ग्रेटर देन होता है या लेस देन होगा, ग्रेटर देन किस इंटरवल में होगा, लेस देन किस इंटरवल में होगा, तो इस पूरे फंक्शन को यदि हम चेक करते हैं तो यहां पर डिनोमिनेटर को हम देखते हैं 2 plus cos x का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर तो बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव रहेगा हमेशा है ना, इट ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो 4 minus cos x ये भी मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो cos x डिपेंड करेगा, cos x हमने इंटरवल के अंदर हमने चेक कर लिया कि
इस इंटरवल के अंदर आपका सभी जानते हैं इस इंटरवल cos x को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या होता है नेगेटिव। तो यहां से पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, लेस देन 0 तो डिक्रीज कर रहा है, और 0 टू पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, इस फंक्शन में मेरा इस इंटरवल में मेरा क्या फंक्शन कर रहा है cos x ग्रेटर देन कर रहा है, तो यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।